हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को सिखाएंगे गुणात्मक प्रतिलोम कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स, गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम, पहले इसको समझिए, सवाल बहुत सिंपल है। प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि दो अंक लेंगे, उसका गुणा जब किया जाए उसका मान वन हो, यानी कि दो अंक का जब गुणा किया जाए उसका मान यदि वन हो जाता है तो वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, जैसे हम पूछें कि चार का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब ये बताइए आप कि चार में कितना से हम गुणा करेंगे कि इसका मान वन होगा। तो चार में जब इसका वन अपान चार से ही गुणा करेंगे तभी मान एक हो सकता है। जैसे चार के चार, चार के चार, तो एक होगा। ठीक है, जब उसका चार का वन अपान चार में गुणा करेंगे तभी उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, बताइए कि आप वन अपान चार इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो सकता है। तो एक बटा के चार में कितना से गुणा करेंगे आप कि इसका मान एक होगा। तो आप बता सकते हैं कि चार का गुणा करेंगे, चार से चार कटेगा बचेगा एक। यानी कि कहने का सीधा तात्पर्य हो गया कि यदि कोई अक्षर, जैसे अक्षर ले लीजिए, जैसे यक्ष है, तो यक्ष का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो यक्ष का गुणात्मक प्रतिलोम आंसर बताएंगे कि वन अपान एक्स होगा। यानी वन अपान एक्स से ही यक्ष में गुणा करेंगे तभी उसका मान एक आ सकता है। इसी तरह आप कोई संख्या दे दिया 10, 10 का गुणात्मक प्रतिलोम कोई आपसे पूछता है तो 10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 10 का गुणात्मक प्रतिलोम लोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। 10 का गुणात्मक प्रतिलोम कोई पूछेगा आपसे तो क्या बताएंगे, 10 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/10। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके सामने एक क्वेश्चन है कि माइनस चार का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो माइनस चार का गुणात्मक प्रतिलोम बताएंगे आप कि 1/-4 होगा। ठीक है, ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा। उसी तरह पाँच का कोई गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो कितना होगा, तो इसका बताएंगे 1/5 होगा। और 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे कोई पूछे कितना होगा तो कितना बताएंगे, 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा कि 7/6 हो जाएगा। इसलिए कि 6/7 में जब 7/6 का गुणा करेंगे तभी उसका मान एक आएगा। ठीक है, अब कोई आपसे पूछता है कि 8/-9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, क्या बताएंगे, बस इसको प्लट दीजिए। तो 9-9/8 इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताएंगे। यदि कोई आपसे पूछता है कि 2/5 × 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसको पहले हल कर लीजिए तब उसके बाद बताइए। देखिए 9 × 2 = 9, देखिए पहले इसको कटा के छोटा कर लिए, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4। देखिए 9 × 9 हो जाएगा और 5 × 2 = 10। अब इसका कोई गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कोई पूछेगा तो सिर्फ इसको प्लट दिए, यानी 10/9 हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से दोस्तों हम गुणात्मक प्रतिलोम आपको बता सकते हैं। और कोई भी आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो इसी तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।